सो हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। तो आज है थर्सडे और अभी मैं आई हूँ छत पे। एक्चुअली शाम का टाइम है, अभी छत पे आई हूँ मैं। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता ही दूँ मैं कितने मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, आपका कितना मंथ्स चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में मैं ये बता ही दूँ। अब क्यों सस्पेंस रखना, जब मैंने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया है तो ऑब्वियसली सब चीज़ डिटेल्स में बताना होगा, राइट। तो फिलहाल तो मैं हूँ छत पे, पहले मैं आई हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए और मेरा आईब्रोज देखो कितना बढ़ गया। एक्चुअली मैं इसे थोड़ा थिक कर रही हूँ ताकि यू नो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पतला बना दिया था उन्होंने, तो थोड़ा सा थिक हो जाए फिर मैं जाऊँगी पार्लर बनवाने के लिए। एंड अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ इसलिए मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। तो आज के वीडियो में ही मैं बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में ज़्यादा देर तक नहीं खींचने वाली हूँ, बस यहाँ से वॉक करके जाऊँगी। अभी मैं ग्लूकोज पानी भी लेके आई हूँ अपना पीने के लिए। सुबह शाम का रूटीन आज के लिए यही होता है, ग्लूकोज पानी, वॉकिंग, ये वो, अभी बस यही सब चल रहा है एंड फुल ऑन रेस्ट। वैसे यही सब चल रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले वॉक कर लेती हूँ नीचे जाके, फिर आपसे बातें करती हूँ अच्छे से, बिकॉज़ यहाँ पे बातें करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। एज़ यू ऑल नो मेरा घर रोड साइड पे है एंड इतना ज़्यादा यहाँ पे हॉकिंग वगैरह होता है तो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे और मुझे भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है ना। और इधर मैं वॉक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वॉक करते करते इतना ज़्यादा पसीना होने लगता है ना, मत ही पूछो। और उधर अनु भी है, उधर ये एक्चुअली ये आधा हम वॉक कर रहे हैं, आधा वो वॉक कर रही है उधर, और बस हम दोनों का ऐसे ही वॉक चलता है। अब इवनिंग में वो कभी कभी आती है, वैसे छत पे इवनिंग में आजकल डेली आता है सबको अपने अपने छत पे, बिकॉज़ यू नो पानी वानी देना होता है फ्लावर्स में, इधर उधर छत पे थोड़ा घूम लो शाम के टाइम में, अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। चलो मैं वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज़ दो काम एक साथ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वॉक प्लस टॉक अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं नीचे और अभी भी आ चुका है, जस्ट अभी ये नहाया है लेजी बंदा, अभी पहुंचे घर तो कब नहाएंगे। हाँ एक्चुअली बिजी था थोड़ा सा। तो यस अभी हम लोग बताने वाले हैं मैं कितनी मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे ना, तो मैं बता देती हूँ अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तुमको पता है उन्होंने थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब नहीं, देखो इसको भी नहीं पता है। चलो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता देती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर किसी को नहीं पता है उनके लिए प्लीज़ ये मत सोचना हम लोगों को पता है तो आप फिर से क्यों बता रहे हो, जिसको नहीं पता है उसके लिए, जैसे इसको भी नहीं पता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट थ्री मंथ्स इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 to 6 months इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 to 9 months इज फाइनल ट्राइमेस्टर, दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अभी मेरा चल रहा है, क्या चल रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर। यस एग्जैक्टली, तुम्हारा फेस इतना बड़ा। हाँ बाबू अभी बेबी, अभी मेरा चल रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर गाइज, दैट इज मतलब ऑलमोस्ट मेरा सेवन मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो बहुत जल्द हमारे घर में आने वाला है नंदा मुंडा मेहमान। टू एक्साइटेड है ना बेबी। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा नर्वस भी है, नर्वस इन द सेंस मतलब सी सेक्शन नॉर्मल ये सोच सोच के मैं इनफैक्ट वीडियोस देख। देखो हम क्लियरली बताते हैं, अगर सदर में गए तो नॉर्मल, प्राइवेट में गए तो सी सेक्शन, ये तो कंफर्म है क्योंकि अभी से ही डॉक्टर तो थोड़ा वो कर रही है नॉर्मल, बिकॉज देवघर में मैं ऑलमोस्ट देख रही हूँ यार, देवघर में पता नहीं, अपार्ट फ्रॉम सदर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सदर में जो जाता है मैक्सिमम नॉर्मल होता है, प्राइवेट में जो जाता है मैक्सिमम सी सेक्शन, सी सेक्शन होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब हम लोग क्या करें क्या नहीं, वो तो सबको मिलकर डिसाइड करेंगे, देखते हैं फाइनली डॉक्टर, जब मेरा फाइनल चेकअप होगा 1 month बाद तो ही डॉक्टर बताएगी क्या करना है क्या नहीं, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्या करना है। बट यस गाइस मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, बहुत जल्द बेबी भी आने वाला है एंड हमारा ड्यू डेट है अभी नहीं बताएंगे। ओके अभी नहीं, आप लोग काउंट कर सकते हो यार, 7 months कंप्लीट होने वाला है तो इसमें क्या है, बहुत जल्द मतलब नेक्स्ट मंथ एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक का इज़ आर ड्यू डेट। तो डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलता है क्या लाइक यू नो एग्जैक्ट डेट तो वो लोग नहीं देते, 10-15 days का डिफरेंस रहता है, ये देखो तुम्हारा टी शर्ट का 10-15 days का तो हमेशा डिफरेंस रहता ही है ना, तो यस उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसे ही बताया, मेरा भी 10-15 days का डिफरेंस दिया है। लेट्स सी अगस्त जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक, हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं बेबी का, है ना।
तो यस गाइस, बस यही बताना था आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कितने मंथ्स की आप प्रेग्नेंट हो, कितने मंथ्स की प्रेग्नेंट हो। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ आप लोग प्लीज़ वीडियो को व्यूज़ दो, ताकि यू नो मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला पाऊँ। टिल देन, बाय गाइज, हर हर महादेव एंड लव योर लव्ड वंस। बाय गाइज़।